चित्त वृत्ति की खेती क्यों कहा? यानी खेती तो चित्त में नहीं होती, खेती तो खेत में होती है। उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे जो इंद्रियगत संस्था है हमारे शरीर की, वो हमारे मानसिक खेती करती है अंदर। हम अपना जो सारा तत्व ले जाते हैं सोच का अपनी इंद्रियों के माध्यम से भीतर, उसकी खेती भीतर होती है। और भीतर जो खेती होती है वो तब होती है जब आप बाहर के संपर्क में आते हैं। मेरा छोटा भाई है वो नेत्रहीन है, पढ़ा लिखा आदमी है, BHU में पढ़ा है, पर एक दिन उसने मुझसे पूछा, मैं उसके लिए कमीज लाया और मैंने कहा कि ये नीले रंग की कमीज है, तो उसने कहा कि पिछली बार भी ऐसे ही लाए थे आप। मैंने कहा कि नहीं, पिछली बार वाली सफ़ेद थी। तो उसने कहा कि आप कैसे जानते हैं कि ये सफ़ेद रंग है ये नीला रंग है? तो उसके लिए ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय था कि रंग कैसे पहचाने जाते हैं, क्योंकि उसने बचपन से रंग देखे ही नहीं। लेकिन विश्वास इस बात का किया जाता है कि हमारी जो अंतः चेतना है, हमारा जो भीतरी संसार है, हमारा जो अभ्यंतरीकरण है, वो ज्यादा सशक्त है, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व ईश्वर करता है। और ईश्वर करता है और ईश्वर को कमीज का रंग नहीं मालूम। अगर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है हमारे अंतःकरण में, अपने आप उसकी शक्ति से हम चल रहे हैं, तो बाहर के रंग ने हमको प्रभावित क्यों किया? बाहर के रंग को पहचानने के लिए बाहर के ही संसार की के संपर्क की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब यह है कि जब बाहर की दुनिया से मनुष्य टकराता है, तब उसकी ज्ञानेंद्रियां, उसकी चेतना की इंद्रियां खुलती हैं, बढ़ती हैं और एक नया रास्ता निकालती हैं, तब वो रंगों की पहचान करता है। इसलिए अंतर जगत अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वह बहिर्जगत से संपन्न होता है। बहिर्जगत ही मनुष्य के अंतर जगत को शक्तिशाली बनाता है और फिर प्रतिक्रिया में अंतर जगत बहिर्जगत को बदल देता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। यही सवाल चेतना का है जो आज का विषय है, चेतना और पक्षधर्म। हिंदी कविता की, हिंदी कविता अगर सिर्फ कविता भी होता तो मैं समझता हूँ काम चल जाता, पर हिंदी कविता पर्टिकुलरली हिंदी को ही कटघरे में खड़ा किया गया है। जैसे कि हिंदी कविता का बयान आना चाहिए कि हिंदी कविता की चेतना और पक्षधरता क्या है। शायद अगर कविता की चेतना और पक्षधरता होता तो भी शायद वही सवाल बनता। चेतना केवल वैयक्तिक नहीं होती है, चेतना एक सामाजिक विषय है, लेकिन व्यक्ति से शुरू होती है। और कविता समाज नहीं करता है, कविता एक व्यक्ति करता है। लेकिन कविता तब करता है वो व्यक्ति जब वो समाज के सारे दरवाजों और समाज की सारी सड़कों को नाप चुका होता है, जब वो सारे जीवन के अनुभवों से आ चुका होता है, तब वो कविता करता है। तब ये सोचना कि उसकी चेतना अकेली चेतना है, ऐसा नहीं, उसकी चेतना का भी समाज ने निर्माण किया है। लेकिन एक व्यक्ति वो अपने मोहल्ले के किसी मालदार आदमी को ये नहीं कह सकता कि मेरी कविता में थोड़ी सी मदद तुम भी कर दो, या किसी ऐसे प्रोफेसर को नहीं कह सकता कि तुम पढ़ाते हो हिंदी तो मेरी कविता में थोड़ी सी मदद कर दो, या मेरी कहानी आगे नहीं बढ़ रही है तो उसको जरा आगे बढ़ा दो। ये तो इंडिविजुअल का काम। इसलिए कवि का मतलब ही शायद कथन विशेष से है, और कविता का मतलब ही है कथन विशेष की तार्किकता, कथन विशेष की तार्किकता। अगर कथन विशेष की तार्किकता नहीं है तो वो एक प्राकृत कवि ने कहा है ना कि उक्ति विशेष हम कब्बम भाखा जा हुई सा हुई। उक्ति वैशिष्ट ही कविता है, भाषा चाहे जो हो। भाषा का कविता में उतना महत्व नहीं है जितना महत्व विचार का है, उक्ति का है। उक्ति क्या है? अगर उक्ति नहीं है, अभी तक हमारे हिंदी में एक प्रचलन नहीं आया है कि कभी कभी किसी कवि की कुछ उक्तियों का भी एक संकलन निकाल लिया करें कि इनके यहाँ इतनी अच्छी अच्छी उक्तियाँ हैं। विदेशों में बहुत आता है, कोटेबल्स के एक अलग आता है चैप्टर, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, वो कबीर के दोहे हैं, संकलित किए हैं अलग अलग मंतव्यों के। मान लीजिए अगर वैराग्य के हैं या भर्तृहरि के हैं तो वैराग्य के अलग हैं, श्रृंगार के अलग हैं और नीति के अलग हैं। तो ऐसा वर्गीकरण हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बट लेकिन हमको सोचना चाहिए
कि हम अपनी परंपरा को किस रूप में लेते हैं और समझते हैं। है क्या कि लोग परंपरा का इस्तेमाल रूढ़ी के अर्थ में करते हैं और इस रूढ़ी के अर्थ में परंपरा का सबसे घातक इस्तेमाल होता है। परंपरा का मतलब रूढ़ी नहीं, रूढ़ी एक अलग चीज़ है। ये अलग बात है कि कोई रूढ़ी परंपरा बन जाए, अगर कोई रूढ़ी इतनी छन जाए, इतनी बन जाए, इतनी निखर जाए, तो हो सकता है कि एक दिन वो परंपरा का रूप ले ले। पर परंपरा का अर्थ है परस्य परम गमयतीति परंपरा। एकस्य परम गमयति नहीं है, एक से दूसरे तक जाना नहीं है, परस्य परम गमयति, दूसरे से दूसरे तक जाती है जो, वह है परंपरा। पहले से दूसरे को माइनस कर दिया गया है इसमें, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक जो जाती है, यानी दूसरे से और दूसरे, अर्थात उसको फिर रिपीट करिए कि दूसरे 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 दूसरे, जो दूसरे तक जाती हो वह परंपरा है।